नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत आने वाले हैं और ये व्रत कितने शक्तिशाली हैं ये बात तो हमें भी नहीं पता थी। पता तो तब चली जब पिछले साल हमने महालक्ष्मी व्रत की वीडियो डाली और उसके नीचे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया। आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि लोगों ने किस प्रकार से उस व्रत की महिमा बताई है, किस प्रकार से लोगों की मनोकामनाएं प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण हुई हैं। आज फिर से वो व्रत आ गए हैं, आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों, बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि से आरंभ होते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत। इसी दिन श्री राधा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे शाक्त परंपरा परिवार के लिए आदिशक्ति का हर एक पर्व बहुत ही अधिक महत्व रखता है। माता आदिशक्ति का ही एक स्वरूप माता महालक्ष्मी है और उन्हीं का एक स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी स्वयं महालक्ष्मी है, आदिलक्ष्मी है, आदिशक्ति है। दोस्तों, किंतु उदयातिथि के कारण राधा अष्टमी इस बार अगले दिन मनाई जाएगी, जबकि महालक्ष्मी के व्रतों की पूजा का महत्व शाम के समय होता है, इसलिए एक दिन पहले से ही महालक्ष्मी के व्रत आरंभ किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये व्रत इस साल कब रखे जाएंगे। दोस्तों, हर साल पड़ने वाले महालक्ष्मी के व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्षी अष्टमी से आरंभ होकर 16 दिन तक यानी कि पितृपक्ष के अंतर्गत चलते हैं, यानी कि अश्विन मास के कृष्ण पक्षी अष्टमी तक इन पर्व को मनाया जाता है। कैलेंडर के अनुसार इस व्रत की शुरुआत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से होगी। देखिए कितना अच्छा संयोग है कि माता लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार के दिन से आरंभ हो रहे हैं। इस प्रकार से इस साल इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इन व्रतों का समापन 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को ही होगा। देखिए और भी कितना अच्छा संयोग बन रहा है, शुक्रवार से आरंभ होकर ये व्रत शुक्रवार को ही समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, इस दिन ललिता सप्तमी और दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाती है। पांचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर होगी और इसका समापन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर होगा। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि कई बार 15 दिन या 17 दिन भी हो जाती है, वरना इन्हें 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत ही कहा जाता है। इस साल संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत सिर्फ 15 दिन के ही हैं। आपको बता दें कि जो भी लोग पूजा और स्थापना करेंगे महालक्ष्मी की, उनके लिए पूजा और स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:40 से सुबह 9:11 पर। जिन्हें सुबह समय नहीं मिल पाता वो दोपहर को कर सकते हैं, दोपहर का मुहूर्त है 12:14 से 1:45 का। वैसे विशेष रूप से रात्रि पूजन का महत्व आता है, तो शाम के समय जब भी आप पूजन करेंगे इसका मुहूर्त है रात्रि 9:16 से रात 10:45 तक। दोस्तों, किस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत में माता की चौकी जमानी होती है, कलश स्थापना करनी होती है, किस प्रकार से पूजा इत्यादि करें, इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। उसी वीडियो में लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें पढ़कर आप चौंक जाएंगे, किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से लोगों की मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी ने पूर्ण की है। इन व्रत का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, किसी प्रकार की धन कारोबार में कमी आ रही हो या कोई भी मनोकामना हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, हर प्रकार की मनोकामनाएं माँ महालक्ष्मी पूर्ण कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी माता सिर्फ धन प्रदान करती हैं, भक्तों की जो भी अभिलाषा होती है महालक्ष्मी अवश्य रूप से प्रदान करती हैं। इन व्रतों की बहुत अधिक महिमा है। दोस्तों, जो भी लोग श्री राधा अष्टमी का व्रत करेंगे उन्हें बता दें कि राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को किया जाएगा। 22 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो जाएंगे। 23 सितंबर को अष्टमी तिथि उदया में होने के कारण, सुबह के समय होने के कारण श्री राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। जो भी व्रत करेंगे सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, पवित्र वस्त्र धारण करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद अपने मंदिर में आकर के श्रीमती राधा रानी की पूजा करें। उन्हें नीलाम्बरा कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर और माँ राधा रानी को नील रंग के वस्त्र धारण कराएं। या फिर आप महालक्ष्मी व्रत भी कर रहे हैं तो महालक्ष्मी के स्वरूप में ही उनकी पूजा भी कर सकती हैं, क्योंकि आखिर दोनों एक ही हैं, दोनों आदिशक्तियाँ ही हैं। दोस्तों, इस प्रकार से फिर व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। हाथ में दुर्वा, कमलगट्टे और अक्षत पुष्प, थोड़ी सी दक्षिणा, गंगा जल इत्यादि लेकर के आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज राधा अष्टमी का व्रत करूंगी।
पूरे दिन करूँगा या करूँगी, कोई भी कर सकता है, पुरुष और स्त्री दोनों में से कोई भी इस व्रत को कर सकता है। जो भी लोग महालक्ष्मी का व्रत करेंगे उन्हें बता दें कि 22 सितंबर को यानी शुक्रवार के दिन को आपको इस प्रकार से माता की पूजा स्थापना करने के बाद आपको महालक्ष्मी व्रत का 16 दिन का संकल्प लेना है। आपको हाथ में अपने जल पुष्प दुर्वा अक्षत कमलगट्टे लेकर के बोलना है, करिष्ये अहम महालक्ष्मी व्रत से स्वत्परायणा तविधनेन मे मातु समाप्ति स्वत्प्रसादतः। इस प्रकार से आपको संकल्प लेकर वो जल भूमि पर छोड़ देना है। दोस्तों इसके बाद आपको 16 दिन तक फलाहार ये महालक्ष्मी के व्रत रखे जाते हैं, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। जिन लोगों से 16 दिन तक नहीं हो सकता वो लोग पहले दिन, बीच के दिन और अंतिम दिन कर सकते हैं, यानी कि पहले दिन करेंगे उसके बाद पूर्णिमा वाला जो दिन आएगा उस दिन करें और फिर जो अंतिम अष्टमी होगी उस दिन आपको व्रत करके व्रतों का पारण कर देना चाहिए। जो भी राधाष्टमी का व्रत करेंगे वो पूरे दिन फलाहार, जैसे जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं अगर आप निर्जला रखते हैं तो निर्जला रखिए, वरना फलाहार व्रत रख करके आपको अगले दिन व्रत का पारण कर देना चाहिए। पूरे दिन भर श्री राधा नाम का स्मरण करें या फिर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का भजन कीर्तन करें। राधा जी को श्री कृष्ण का नाम बहुत अधिक प्रिय है और श्री कृष्ण को श्री राधा का नाम। दोस्तों महालक्ष्मी व्रत में पीला डोरा भी बांधा जाता है। इस प्रकार से देखिए हल्दी की गांठ में आप 16 गांठ लगा करके पीला डोरा बना करके अपने हाथ में अवश्य रूप से धारण करें। इसकी संपूर्ण विधि हमने दूसरे वीडियो में डिटेल में बताई है किस प्रकार से आपको पूजा इत्यादि करनी है, आप उसे अवश्य रूप से देख लीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जो चैनल पर आते बार बार हैं, वीडियोस देखना उन्हें पसंद है किंतु सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, उन सभी से विनती है कि चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। दोस्तों साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। इस प्रकार से आपको व्रत करने के बाद शाम के समय व्रत की कथा सुननी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की कथा की भी हमने वीडियो अपलोड की है, वहाँ से जाकर आप कथा सुन सकते हैं। माता महालक्ष्मी के मंत्र कई प्रकार के हैं जिसमें से बीज मंत्र है उनका श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप कमलगट्टे की माला से इस दौरान जप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, ओम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से 16 दिनों के अंदर ही आपको चमत्कार होते दिखाई देंगे। यदि धन की कितनी ही बड़ी समस्या है माँ लक्ष्मी उसे पूर्ण अवश्य करेंगी, अवश्य रूप से उसे दूर करके धन धाने से आपके घर को भर देंगी। दोस्तों इस व्रत की बहुत अधिक महिमा है। वहीं जो भी लोग श्री राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, जो लोग दोनों व्रत करना चाहते हैं वो दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों ही व्रतों का एक साथ बता दिया है क्योंकि दोनों ही व्रत आगे पीछे एक दूसरे एक ही दिन, कभी कभी तो एक ही दिन में आते हैं, जिस दिन तिथि एक हो जाती है उस दिन एक ही तिथि में आते हैं। किंतु इस बार 22 सितंबर को याद रखिए, 22 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत आरंभ है और 23 सितंबर को श्रीमती राधा अष्टमी है। इस प्रकार से करके आपको महालक्ष्मी व्रत में आप चाहें तो रोज़ थोड़ी थोड़ी आहुति दे सकते हैं या फिर अंतिम दिन आपको पूर्ण आहुति कर लेनी चाहिए। जितने भी मंत्र आपने जपे हैं उन सभी को दशांश हवन आपको एक बार कर लेना चाहिए, फिर व्रतों का पारण करना चाहिए। व्रतों के पारण में हाथी पर महालक्ष्मी को विराजमान करके पूजा और हवन किया जाता है और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ये व्रत माना जाता है महाभारत काल में माता कुंती और माता गांधारी रखती आ रही थी, उन्हीं के समय से ये व्रत चले आ रहे हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों ने अखंड राज्य प्राप्त किया था। दोस्तों इसी प्रकार से महालक्ष्मी का व्रत संपूर्ण करके आप भी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में शंकाएं हों वो हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से पूछ लीजिएगा। इसी के साथ जो दूसरा वीडियो है जिसमें हमने पूरी विधि वीडियो और पूजा करके दिखाई है, कथा सुनाई है, उसे आप अवश्य रूप से देख लीजिए। उसे कमेंट सेक्शन पढ़ना मत भूलिएगा, उसमें लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं, उन सभी का हमने रिप्लाई दिया है। आपके मन में भी कोई प्रश्न होता है तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई देने का। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस व्रत की महिमा का पूरा पूरा लाभ उठा सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और विभिन्न जानकारी के साथ। यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।